गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द जी टी व्यू सेशन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द जी टी ऑफ़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड आई होप सबको पता होगा तो चलो विदाउटिंग स्टार्ट द सेशन एंड आई हैव सेलेक्टेड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड आप जितने क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें से आप शायद कोई भी क्वेश्चन आप पहले देखे हुए नहीं होंगे ठीक है तो देखो आप हर क्वेश्चन को ट्राई करो एंड ट्राई टू रेस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल राइट स्टार्ट द सेशन एंड गो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लीनियर एलजेबरा जरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार क्या लिखाजन वैल्यूमडा वन विद आईगन वैक्टर एक्स वन इज गिवेन वन जीरो द मैट्रिक्स पी इज इट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैट्रिक्स पी पूछ रहा है क्या होगा जिसका आइगन वैल्यू दिया हुआ उसका आइगन वैक्टर दिया हुआ है आपको फाइंड करना है कि उसका आपका मैट्रिक्स पी क्या होगा तो इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें सो वी कैन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली लेट्स मान लेते हैं कि हम लोग पी मैट्रिक्स को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट्स पी मैट्रिक्स को हम लोग ले लेते हैं समथिंग लेट्स टेक पी मैट्रिक्स एज ए बी सी डी टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स होगा अदो हमारे पास एक कंसेप्ट है दी इन टू एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स जहां लैमडा आइगन वैल्यू है और उसी आइगन वैल्यू का एक्स क्या है आइगन वेक्टर है सो हमारे पास दो आइगन वैल्यू दिया हुआ है और मान लो कि हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स तो हमारे पास पी दिया हुआ है दैट इज ए बी सी डी ठीक और लेट से, लेट से एक्स से, वन एक को हम लोग ले लेते हैं एक्स वन दिया हुआ है कितना पास क्या हो जाएगा फर्स्ट को फर्स को फर्स कॉलम से मल्टीप्लाई करो इट इज एंड दैट इज इक्वल टू टू फिर क्या सेकें रो को से करो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो टू C, C तो यहाँ से ए का वैल्यू मिल गया टू और सी का वैल्यू मिल गया जीरो एक दूसरा हमारे पास दिया हुआ है एक दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है ए बी सी डी एक्स टू का इतना दिया हुआ देखो हमारा दूसरा लैमडा दिया हुआ है फाइव और दिया हुआ है 1, 1. So,

एंड सिंस है तो डी का वैल्यू कितना मिल गया हमे? so, हमें डीवल टू फाइव सो हमें मैट्रिक्स पी के चारों एलिमेंट पता चल चुके हैं कितना कितना है यार देखो सो वी वी आर आर हैविंग हैविंग टू बी का वैल्यू कितना है थ्री सी का वैल्यू जीरो डी इक्वल टू फाइव इज दी मैट्रिक्स पी तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यार हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट सिंपल क्वेश्चन बट वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर है यार

सो so, जो मैट्रिक्स नहीं दिया है लेकिन हमसे उसका ए इनवर्स का बारे में पूछ रहा है आंसर आंसर वेरी गुड यार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड काफी लोगों ने दो वेरी गुड वेरी गुड आठ दस लोगों ने करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड यार देखो हमें क्या दिया हुआ है हमें अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का अगर मैं इक्वेशन लिखू तो क्या आएगा अगर मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूं तो इट इज लैमडा क्यूब माइनस अल्फा वन लैमडा स्क्वायर प्लस अल्फा टू लैमडा माइनस अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो अब देखो यहां अल्फा वन क्या होगा अल्फा वन हो जाएगा हमारे लिए इट इज ट्रेस ऑफ दी ट्रेस ट्रेस किसके बराबर होगा सम ऑफ वैल्यू दैट इज वन प्लस टू प्लस स्क्वायर प्लस अल्फा टू क्या होता है अल्फा टू क्या है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू टेकिंग टू एट अ टाइम वेरी गुड यार काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है दो यहां हो जाएगा वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस वन इंटू थ्री माइनस अल्फा थ्री अल्फा थ्री इंटू लेमडा इन टू लैमडा माइनस अल्फा थ्री अल्फा थ्री प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सिक्स एंड दैट इज टू जीरो अब यहां से देखो हमारे पास क्या आ गया यहां से हमारे पास आ चुका है इट इज लैमडा क्यूब माइनस सिक्स लैमडा स्क्वायर और यहां से कितना थ्री और सिक्स और ये कितना हो जाएगा देखो तीन पांच ग्यारह दैट इज इलेवन लैमडा माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो so, अगर मैं यहां से बात करू बाई कैलह मिल्टन थियरमी राइट कैले बाईम थियरम अगर हम लोग कैले लगाते हैं तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको इलेवन ए माइनस सिक्स आई थ्री एंड दैट इज इक्वल टू जीरो हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज ए इनवर्स मैंने बोला इसमें से प्री मल्टीप्लाई कर दो बाई ए इनवर्स तो क्या आ जाएगा यहां पर एनवर्स ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए इवर्स इन ए स्क्वायर इनवर्स इन टू ए माइनस सिक्स ए इनवर्स इंटू आई थ्री एंड टू जीरो देखो यहां कितना हो जाएगा सॉरी यहां ए क्यूब है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस इलेवन आई थ्री माइनस सिक्स ए इनवर्स एंड दैट इक्वल टू जीरो से आ जाएगा हमारे लिए सिक्स ए इनवर्स एंड दट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस इलेवन आई थ्री So, यहां से इनवर्स का वैल्यू डिवाइड कर दो इट इज ए स्क्वायर बाई सिक्स माइनस ए प्लस इलेवन बाई सिक्स इन आई थ्री दिस इज दूनवर्स कंपेयर कर लो यहां से हमसे अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है देखो इनवर्स तो यहां से अल्फा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है सो so अल्फा का वैल्यू यहां से कितना आ जा रहा है यार अल्फा इज इक्वल टू सिक्स फाइनल आंसर फॉर द अल्फा इज इक्वल टू सिक्स वेरी गुड यार काफी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है वेरी नाइस वेरी नाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इन अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन दो एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए दैट इज एलिमेंट उसके दिए फाइव माइनस थ्री सिक्स माइनस फोर देन ट्रेस ऑफ ए टू दी पावर वन थाउजेंड इज इक्वल टू इट्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पूछ रहा है एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमसे हमसे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमसे पूछ रहा है ए टू दि पावर वन थाउजेंड का आंसर किसी ने भी अभी करेक्ट आंसर नहीं निकाला है किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं निकाला है देखो देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ए टू पावर अब इस मैट्रिक्स को ऐसा तो नहीं है ना वन थाउजेंड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम चाहे तो उसका ट्रेस फाइंड कर सकते हैं बट इट बिकम वेरी लेंदी टू फाइंड द दू दि पॉवर वन थाउजेंड देन यहां हम लोग एक कंसेप्ट करेंगे दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन दो कंसेप्ट क्या है इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दो अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का हमें जो दिया हुआ है दैट इज अगर मैं इसका करेक्टर्स इक्वेशन लिखता हूं देखो करेक्टर्स इक्वेशन क्या होगा इसका इट इज लैमडा स्क्वायर माइनस फाइव माइनस फोर लैमडा प्लस प्लस इसका डिटर्मिनेट कितना हो जाएगा दैट इज माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी और प्लस एटीन एंड दैट इज इक्वल टू जीरो हमारे पास हो जाएगा यहां पे लैमडा स्क्वायर माइनस लैमडा माइनस टू एंड दैट इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारे पास आ जाएगा देखो कैरेक्टर्स इक्वेशन अब अगर हमारे पास कैरेक्टर्स इक्वेशन आ चुका है तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं लैमडा का वैल्यू तो देखो यहां से लैमडा का वैल्यू कितना आ चुका है लेमडा इज इक्वल टू टू एंड माइनस वन लैमडा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है टू और माइनस वन अब देखो लैमडा का वैल्यू अगर आ चुका है ध्यान से देखो मैं बात कर रहा हूं अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट देखो कैसे इसको हम लोग निकालते हैं ए टू दी पावर वन थाउजेंड का वैल्यू हियर वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ डाइगोलाइजेशन जरा देखो क्या है कंसेप्ट अगर मैं बात करता हूं फॉर लैमडा इज इक्वल टू टू लैमडा इक्वल टू टू के लिए अगर मैं निकालता हूं देखो ए माइनस टू लैमडा ए वायरस इट इज ए माइनस टू आई इन एक्स एंड लेट से इक्वल टू जीरो तो दो हमारे पास क्या हो जाएगा ए माइनस टू आई का वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे ए वैल्यू का कितना हो जाएगा इट इज थ्री एंड हियर इट इज माइनस थ्री ये है सिक्स और यहां कितना हो जाएगा यार हियर इट इज माइनस सिक्स टू एक्स वन एक्स टू एंड दैट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा इट इज थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू एंड दू जीरो से हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ चुका है एंड दैट इज इक्वल टू वन वन सिमिलरली सिमिलरली हमारे पास एक लेमडा इक्वल टू कितना दिया हुआ है माइनस वन सो लेमडा इक्वल टू माइनस वन के लिए अगर हम लोग यूज करें तो क्या लिख सकते हैं ए माइनस लैमडा आई तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ए माइनस वन आई इन टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू जीरो तो जरा देखो यहां से वन सब कर दो कितना हो जाएगा यहां पर इट इज फोर माइनस थ्री एंड हियर इट इज हियर इट इज सिक्स और यहां कितना हो जाएगा माइनस थ्री देखो जरा सा यहां पे लैम्डा इक्वल टू माइनस वन के लिए लैम्डा इक्वल टू माइनस वन के लिए सो हियर इट इज बेसिकली यहां हो जाएगा कितना हियर इट विल बी सिक्स देखो यहां माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस देख लो यहां पे एक बार सो so नेक्स्ट यहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितना एक्स वन और एक्स टू देन इट इज इक्वल टू जीरो तो यहां देखो क्या आ जाएगा कोड थोड़ा हैंग हो रहा है हियर इट इज सिक्स एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं सिक्स एक्स Which means, which means, x1, 2x1 is equal to x2, which means x1 is equal to x2 by 2. Here it is 1. So here we are having another eigen vector and that is equal to 1 and 2. अब देखो जरा सा, इस इस matrix के दो eigen value हैं और दो इसके eigen vector हैं। एक है 1, 1 और एक है 1, 2. दोनों eigen vector दिख रहा है, साफ-साफ ये दोनों eigen vector क्या है? They are linearly independent. मान लेते हैं कि ये हमारा x है लेट्स से दिस इज x एंड लेट्स से दिस इज y मैं यहां साफ साफ दिख रहा है कि x एंड y आर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर दोनों आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि सिंस दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगा यार मैट्रिक्स ए विल बी अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए कैसा होगा यार एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा अब मैट्रिक्स ए अगर हमारा डायगोनाइजिबल मैट्रिक्स है सो विद डायगोनाइजिबल कंसेप्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो देन पी या यहां से लिख सकते हो पी इंटू ए इंटू पी इनिवर्स एंड दैट इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स डी जहां पर जहां पर जहां पर डी हमारा क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है और पी हमारा क्या है पी इज कॉल्ड मोडल मैट्रिक्स P हमारा क्या होता है P इन टू पी इक्वल टू डी देख लो So यहां पर हमारा P क्या है यार P को बोलते हम लोग इट इज कॉल्ड मोडल मैट्रिक्स P इज कॉल्ड मोडल मैट्रिक्स विच इज फॉर्म बाई द विच इज फॉर्म बाई द आइगन वेक्टर तो हमारे पास P क्या हो जाएगा देखो हमारे पास P है देखो ये हमारे पास P हो जाएगा अच्छा डायरेक्टली इसका जरा इनवर्स निकाल लो अगर हम लो इसका निकाल लें तो डायरेक्टली हम लोग टू क्लास टू का इनवर्स निकाल लेंगे यार यहाँ पे क्या इसको इंटरचेंज कर दो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो इन दोनों में साइन माइनस वन का लगा दो डिटरमिनेंट इसका कितना है वन। तो ये हो जाएगा पी इनवर्स अब जरा बहुत ध्यान सुनिएगा हमसे देखो पूछा गया है Into into p इनवर्स a p d है बहुत ध्यान से एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट देखो p इनवर्स a into p हमारा क्या है यार d है तो अगर इसमें मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूं किससे p से तो यहां क्या आ जाएगा देखो a into p एंड दैट इज इक्वल टू p into d अब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो p इनवर्स से तो यहां क्या आ जाएगा देखो यहां हो जाएगा a is equal to p into d into p इनवर्स तो हमारे पास ए का वैल्यू आया है इट इज पी इंटू डी इंटू पी इनवर्स अब जरा ध्यान से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अगर मुझे निकालना है ए टू दी पावर एन इट कैन बी रिटेन एज पी इन टू डी टू दावर एन इन पी इनवर्स ये हमारे पास एक फॉर्मूला है दिस इज एन फार्मूला अब देखो इस फार्मूले को प्रूफ अगर करना है थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट देखो दिखाते हैं जैसे मान लो कि हमारे पास ए आ चुका है ए हमारे पास क्या आया है देखो इट इज पी इंटू डी मान लो मैं स्क्वायर निकालता हूं ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा इट इज ए इंटू ए देखो इट इज पी इंटू डी इंटू पी इन वर्स मल्टीप्लाइड बाई पी इंटू डी इंटू पी इनवर्स देखो पी इनवर्स इंटू पी क्या हो जाएगा आई तो यहां क्या बचा P और D इंटू डी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हेयर इट इज डी स्क्वायर और यहां क्या आ गया P इनवर्स अब देखो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है P इंटू डी स्क्वायर इंटू पी इन सिमिलरली सिमिलरली कैन वी से दैट कैन वी से दैट A टू पावर n क्या हो जाएगा हमारे लिए इट इज P इंटू डी टू दावर एन इंटू पी इनवर्स राइट इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हुए फाइंड करेंगे ए टू दी पावर वन थाउजेंड दे कैसे अब अगर हम लोग बात करें ए टू दी पावर वन थाउजेंड तो ये क्या हो जाएगा देखो इट इज पी इंटू डी टू दि पावर वन थाउजेंड इंटू पी इन थोड़ा ए सी चालू कराओ वरुण ए सी चालू कराओ पी इंटू इनवर्स अब देखो हमारे पास पी क्या है पी मैट्रिक्स मुझे पता है पी मैट्रिक्स कितना है इट इज वन 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 टू d टू दावर वन थाउजेंड सिंस डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देखो डी मैट्रिक्स क्या होगा यार डी हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट क्या है यहां पे टू और माइनस वन हेयर इट इज जीरो जीरो सो डी टू दावर वन थाउजेंड डायरेक्टली डायगोनल का क्या हो जाएगा पावर तो यहां हो जाएगा टू टू दावर वन इज हेयर हियर इट इज जीरो वन का पावर वन थाउजेंड इट इज वन इनटू टू पी इनवर्स पी इनवर्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना पी इन वर्स देखो हमारे पास है इट इज टू माइनस वन माइनस वन वन ये हमारा है पी इनवर्स अब मल्टीप्लाई करो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो इट इज टू टू दावर वन थाउजेंड ठीक है फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो यहां कितना आ जाएगा वन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो इट इज टू टू दावर वन थाउजेंड फिर यहां आ जाएगा कितना टू मल्टीप्लाइड बाय टू माइनस वन माइनस वन वन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो दो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं देखो क्या आ जाएगा यहां पर अच्छा हमें क्या चाहिए ट्रेस चाहिए यही हमारा देखो आ रहा है ए टू दि पावर यही है हमें ट्रेस चाहिए तो ट्रेस ट्रेस के के लिए लिए देखो हमें ट्रेस के लिए क्या चाहिए यार A11 चाहिए और क्या चाहिए ए टू टू सिर्फ यही दो एलिमेंट चाहिए तो पहले ए वन वन कैसे निकलेगा फर्स्ट लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो टू ये कितना हो जाएगा टू टू दी पावर वन थाउजेंड वन क्लियर है टू दी पावर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो प्लस कितना माइनस वन माइनस वन फिर सेकेंड रो को जब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ए टू टू इन दोनों को ऐड कर दो तो ट्रेस निकल जाएगा देखो ट्रेस क्या आया ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू दोनों को ऐड कर दो इट इज टू टू दावर टू टू दावर वन थाउजेंड माइनस वन माइनस टू सॉरी टू टू दी पावर वन थाउजेंड वन इट इज वन थाउजेंड वन माइनस टू टू दावर वन थाउजेंड प्लस टू देखो इन दोनों से इन दोनों से टू टू दावर वन थाउजेंड कॉमन ले लो तो क्या बचा यहां पे, केवल टू यहां पर बचा टू और यहां क्या बच गया माइनस वन और यहां क्या माइनस वन और टू कितना हो जाएगा प्लस वन

To find the higher power of the matrix. So, the final answer for this concept is for this question is 2 to the power 1000 plus 1. Let us go for the next question. And the next question is from the probability. Next question is from the probability. Come on, come on, fast. आई थिंक यू आर राइट किसी ने बोल रहा है कि सर आप कोट का स्लीप थोड़ा ऊपर कर लीजिए उससे बार बार बोर्ड मूव हो रहा है वेरी गुड यार नाइस एक्सप्लेनेशन थैंक यू थैंक यू तो ये जो क्वेश्चन लास्ट बताया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इट्स कंसेप्ट ऑफ डाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो प्रोबेबिलिटी का दो राजू हैज फोर पेयर ऑफ क्वाइन फोर फेयर क्वाइन एंड वन फेयर डाइस एट फर्स्ट राजू टॉसेस अ क्वाइन If the coin shows head, then he rolls a dice and the number that dice shows is taken as his score. If the coin shows tail, then he tosses three more coin and total number of tails shows, including the first one, is taken as his score. If Raju tells that his score is two, then the probability that he rolls the dice is. Oh, it's a very good question. Again, is question me. कह रहा है राजू के पास क्या क्या है यार चार क्वाइन है और एक डाइस है जल्दी आंसर निकालो इट्स क्वेश्चन इन एनिटी एक डाइस है कह रहा है कि अगर अगर अगर, अगर वो टॉस करता है अगर पहले क्वाइन को टॉस कर रहा है मान लो है ना तो अगर बोलता है कि अगर वो एक हेड आता है पहला मान लो इसको टॉस किया उसने हेड आ गया या फिर टेल आ सकता है अच्छा हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी वन बाई टू अगर हेड आता है तो क्या टास्क करेगा यार अगर हेड आया अगर हेड आ गया अरे भाई अगर हेड आ गया यू मस्ट बी माई स्टूडेंट अगर हेड आ गया तो वो क्या टास्क करेगा एक डाइस और डाइस पे नंबर क्या चाहिए उसको टू तो फेवरेबल केस लाने के लिए अब यहां पर हेड आ चुका है अब डाइस पे क्या चाहिए हमको टू अच्छा एक डाइस को टॉस करो टू लाने की प्रोबेबिलिटी कितना यार इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा इट इज वन बाई सिक्स So, यहां पर हेड विथ डाइस पे टू आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा वन बाई टू इन टू वन बाय सिक्स एंड दैट इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व एक तो केस यहां से मिला जहां पर उसको क्या मिल गया है यार टू मिल चुका है टोटल स्कोर अच्छा कहता है कि अगर टेल आ गया तो वो क्वाइन तीनों क्वाइन को जो बचा था उसको टॉस करेगा और टोटल नंबर अब जो हेड आएगा दैट इज काउंटेड है उसमें फर्स्ट को भी काउंट करना है उसका मिला के कि स्कोर कितना चाहिए टू इसका मतलब अब यहां पर वो तीन को टॉस करेगा उस तीन में से एग्जैक्टली exactly मुझे कितना हेड चाहिए चाहिए टेल टेल एक एक तभी तो ये यह है यहां पर तीन में से कोई एक आ जाएगा तो स्कोर कितना आ जाएगा टू तो तीन में से तीन में से कोई भी एक क्या चाहिए हमको टेल तो यहां पर टेल इस टेल को आने की प्रोबेबिलिटी कितना है तीन में से कोई भी एक दैट इज थ्री सी वन इंटू वन बाई टू टू दी पावर वन इंटू वन बाई टू टू दावर कितना टू सिंप्लीफाई कर लो कितना डाइस कि टू the तो यहां से भी आया है टू यहां से भी आया। इस क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाइस को रोल करके आया तो ये फेवरेबल पास हो जाएगा और ये मिला के दोनों क्या हो जाएगा टोटल पास तो so, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सो द प्रोबिलिटी विल बी इक्वल टू इसको ले लो फेवरेबल और इन दोनों को ले लो टोटल पाथ दैट इज वन बाई प्रोबेबिलिटी हमारे लिए हो जाएगा प्रोबिलिटी क्या जाएगा यार दैट इज वन बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाई वन बाई ट्वेल्व प्लस थ्री बाई सिक्सटीन यूज द कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालो कमान कमान जल्दी से आंसर निकालो चेक करो इट इज जीरो पॉइंट थ्री जीरो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कितना निकाले आंसर यार ना ना यस वेरी नाइस फोर बाई थर्टीन इज द करेक्ट आंसर फोर बाय थर्टीन इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री एट अप्रोक्सिमेटली ठीक है तो देखो क्वेश्चन में अगर तीन डेसिमल प्लेस तक पूछता है तो आप फिल करके आओ सीधा जीरो पॉइंट थ्री जीरो एट द आंसर इज फोर बाई थर्टीन वेरी गुड काफी लोगों ने सही आंसर निकाला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कम ऑन गोमन क्या लिखा है लेट एक्स बी अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन जीरोक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर थ्री देन द प्रोबिलिटी ऑफ एक्स लेस दर इक्वल टू थ्री then the probability of mod of x less than equal to टू less than equal to थ्री is equal to देखो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखो ये हमें दिया हुआ a है दिस इज गिवेन एज ए क्या दिया हुआ है अगर हम लोग बात करें इसका के की में बात करें तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है म्यू दिया हुआ है जीरो और वेरिएंस दिया हुआ है नाइन तो हमारे पास स्टैंडर्ड एवियशन क्या होता है इट इज रूट ऑफ वेरियंस इट इज रूट ऑफ वेरियंस विच इज इक्वल टू रूट ऑफ नाइन एंड दैट इज इक्वल टू थ्री सो हमें मिल चुका है म्यू का वैल्यू जीरो एंड सिग्मा का वैल्यू कितना है थ्री ना दो हमें दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री सिंस इसको हम लोग कन्वर्ट करते किसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या आ जाएगा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको लिख सकते हैं ना एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री माइनस जीरो डिवाइड बाई थ्री और इसी का वैल्यू कितना दिया ए मतलब हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन का वैल्यू दिया हुआ है कितना ए अगर इसको हम लोग ग्राफ में दिखाएं तो ग्राफ में दिखाते हैं ऐसे यहां मान लो हमारे पास है जेड इक्वल टू वन तो ये एरिया दिया हुआ है कितना दिस एरिया इज गिवन एज ए अब हमसे पूछ क्या रहा है यार हमसे क्या पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो क्या पूछा जा रहा है

ये क्या आ जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ माइनस वन जेड एंड हियर इट इज इक्वल टू वन ये पूछा जा रहा है ये निकालना हमें अच्छा देखो इसको अगर हम लोग ग्राफ में दिखाएं तो ग्राफ में कैसा दिखेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो देखो हमसे पूछ रहा है ये वाला ये एरिया हियर इट इज जेड इक्वल टू माइनस वन एंड हियर यू आर हैविंग जेड इक्वल टू वन हमसे ये एरिया पूछ रहा है यार ये एरिया पूछ रहा है अच्छा जेड ग्रेटर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है सिमेट्रिक होता है अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी क्या होगा ए जेड का वैल्यू एक से बड़ा जेड का वैल्यू माइनस एक से छोटा क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होगा सेम हमसे ये एरिया पूछ रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया कितना होता है वन तो ये एरिया कितना हो जाएगा वन माइनस टू एस ए प्लस ए उसको वन से माइनस कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा हमें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यार इट इज वन माइनस टू ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वन माइनस टू ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी गुड यार वेरी गुड वन माइनस टू ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी जरा ध्यान से क्वेश्चन देखो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्विक फास्ट जल्दी निकालो आंसर काफी लोगों ने सही आंसर निकाला था यार वेरी गुड दो इस क्वेश्चन क्या दिया अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन के टाइम्स एक्स माइनस वन होल टू दी पावर फोर इफ एक्स इज बिटवीन वन एंड थ्री एंड वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री अब जरा देखो जरा देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा रहा है उसका मीन क्या होगा मीन मतलब दे आर आस्किंग अबाउट ऑफ हम लोग इसका ई ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे मीन पूछ रहा है अब वो ऑफ कैसे निकलेगा अच्छा हमें ये ये क्या दिया दिया हो देखो ये दिया हुआ है सीडीएफ क्यूमलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है ये पीडीएफ नहीं दिया हुआ पढ़ लीजिए ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन यही इस क्वेश्चन का की है देखो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है तो पहले हमें पीडीएफ निकालना पड़ेगा और पीडीएफ कैसे निकलेगाट so करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा एफ ऑफ एक्स विच मीन एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास इसको डिफरेंशियट कर दो इट इज जीरो और यहां पे इसको डिफ्रेंसिएट करोगे क्या आ जाएगा इट इज फोर टाइम्स के एक्स माइनस वन का क्यूब इफ एक्स इज इन बिटवीन वन एंड वन एंड थ्री वन एंड थ्री एंड हियर इट इज जीरो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री अब जरा देखो अब जरा देखो जरा देखो अब यहां पर यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है इसका मीन चाहिए मीन में देखो हमें यहां एक्स पता नहीं है X पता नहीं है तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू जल्दी से फाइंड करो अभी तक किसी का का आंसर नहीं आया है कि मीन वैल्यू क्या होगा ऑफ e फास्ट तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इस के का वैल्यू आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इक्वल टू कितना होगा वन टोटल प्रोबेबिलिटी के का कहा लोगों ने अच्छा के नहीं पूछा है मेरे भाई लोग के निकाले के हमसे नहीं चाहिए हमें चाहिए मीन दो अब अगर देखो यहां से केवल और केवल फंक्शन डिफाइन है वन से लेके थ्री में इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम वन से लेके थ्री इट इज फोर के एक्स माइनस वन क्यूब डी एंड दट शुड बी इक्वल टू वन दैट शुड बी इक्वल टू वन अब इसको क्या करना है इंटीग्रेट कर दो यार हमें जल्दी से इसको इंटीग्रेट करो और फाइंड करो के का वैल्यू इंटीग्रेट कर दो क्या हो जाएगा यहां पर फोर के एक्स माइनस वन के पावर फोर डिवाइड बाई फोर लिमिट लगा दो वन से लेके थ्री एंड दैट इज इक्वल टू वन तो दो यहां क्या आ जाएगा के टाइम्स ये हो जाएगा कितना टू टू पावर फोर राइट और माइनस जीरो इज इक्वल टू वन स के इक्वल टू आ गया वन बाई सिक्सटीन तो के का वैल्यू आ गया है कितना हो जाएगा यहां पर इट इज वन बाई फोर एक्स माइनस वन का क्यूब और यहां क्या आ जाएगा जीरो सॉरी लेस देन वन एक्स इज लेस देन वन and here if x is from 1 to 3 yahan equality bhi hai aur yahan aa jayega if x is greater than 3 ab humse pucha gaya mean mean kaise niklega yaar e of x e of x kya ho jayega here it is e of x and that is equal to integration from minus infinite to infinite x into f x x into f of x dx तो function केवल डिफाइन one वन से लेके थ्री में तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम वन से लेके थ्री एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू डी एक्स ये इंटीग्रेशन चाहिए अच्छा इसको इंटीग्रेट करने के लिए काम करो एक्स माइनस वन को पुट कर लो टी तो यहां से डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अच्छा जब एक्स का वैल्यू वन होगा तो उस समय टी का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो और जब एक्स का वैल्यू थ्री होगा तो उस समय टी का वैल्यू कितना हो जाएगा टू नाउ यू कैन चेंज द इंटीग्रेशन अच्छा यहां से वन बाई फोर बाहर ले लो इट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टू अच्छा x का वैल्यू हो जाएगा t प्लस टी प्लस वन टी प्लस वन और यहां है x माइनस वन का आपने t t तो ये हो जाएगा t का क्यूब और dx हो जाएगा dt टी सो ये हो जाएगा हमारे लिए इट इज वन बाई फोर और इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टू और यहां आ जाएगा कितना t टू दी पावर फोर प्लस टी का क्यूब इंटू डी टी इट्स वेरी गुड क्वेश्चन देखो यहां से फिर आ जाएगा ये वन बाई फोर इंटीग्रेट कर दो ये हो जाएगा टी टू दी पावर फाइव बाई फाइव प्लस टी टू पावर फोर बाई फोर लिमिट लगा लो जीरो से लेके टू और सॉल्व करो यू विल गेट द आंसर जल्दी से यूज करो सॉल्व करो इसको जल्दी से वेरी गुड यार थर्टीन बाई फाइव इज द आंसर थर्टीन बाई फाइव विच इज विच इज विच इज टू पॉइंट सिक्स इज वेरी नाइस तो ध्यान से कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन तो 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 हमारे पास पीडीएफ और पीडीएफ दे दिया तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार। मजा आ गया कंसेप्ट में वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलकुलस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है इफ यू इज यू दिया हुआ हमें देखो यू दिया हुआ है इट इज ई टू दावर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अब जरा देखो इसमें पहली बात कि यू जो है होमोजीनियस नहीं है यू इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है बट अगर मैं इसको ले लेता हूं दोनों साइड लॉग ले लो तो क्या आ जाएगा यहां पर ln u एंड दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एट से दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ यू नाउ यहां हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना डिग्री थ्री अब हमसे जो पूछा गया है वो फॉर्म क्या है देखो यह है इसको हम लोग बोलते एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई ये हमारा ऑयलर फॉर्म है वेरी गुड लोगों ने आंसर भी निकाल दिया वेरी गुड ऑयलर फॉर्म एक्स यू एक्स प्लस वाई यू आई एंड दैट इज क्या होता है एन इन टू एफ ऑफ यू एन इन टू एफ ऑफ यू डिवाइड बाई एफ यू और हमारे पास एफ ऑफ यू कितना है इट इज एल एन यू तो कितना डिग्री कितना एन का वैल्यू थ्री इट इज थ्री एफ ऑफ यू का मतलब एल एन यू डिवाइड बाई एफ डू एल एन यू का डेरिवेटिव एफ ऑफ यू हमारे लिए क्या हो जाएगा इट इज एल एन यू एल एन यू तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एफ डैस यू क्या हो जाएगा हमारे लिए इट इज वन बाई यू हर इट इज वन बाई यू ठीक है कितना हो जाएगा इट इज थ्री यू एल एन यू कौन सा ऑप्शन यार थ्री यू एल एन यू ऑप्शन बी इज करेक्ट सिंपल क्वेश्चन है इज वन मार्क्स क्वेश्चन लाइक है ठीक है ध्यान से इस साल के लिए इसको इंपॉर्टेंट समझ कर रखना ठीक है ऑयलर फॉर्म भैया सी नहीं है ऑप्शन बी करेक्ट है क्या दे रहे हो आंसर

Here it is x1 minus x2 divided by x2 ln x1 by x2 वो पेन खराब था देखो अभी ये सही चल रहा है ठीक है एनी वे अब देखो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे कोई आंसर 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 देखो इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान देना है थोड़ा सा एक सब काम करोगे आपको आंसर दिखने लगेगा लेट लेट x1 एक्ट्रक्स वन इज इक्वल टू एक्स मान लो एक्स वन को एक्स है और एक्स टू को ले लो एक्स एक कोई मान लो हमारा वेरिएबल है जस्ट इतना चेंज कर दो इसको तो देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंडिंग टू a अब यहां क्या लिखोगे x माइनस ए डिवाइड बाई एल एन एक्स बाई ए खत्म हो गया क्वेश्चन

है वन अपॉन एक्स डिवाइड बाई ए इंटू क्या आ जाएगा यार इंटू वन बाई ए चेक कर लीजिए जल्दी आंसर 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 तो ये क्या हो जाएगा देखो ये हमारे लिए हो जाएगा कितना इट इज इट इज इट इज इट इज ए बाई एक्स तो लिमिट ए ए ए पर कितना हो जाएगा? इट इज़ 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 अपॉन आंसर आंसर द यार। वेरी गुड चलो बस इतना आपको ध्यान देना था कि इसमें कई बार क्वेश्चन एक्स वन एक्स टू लिखा हुआ है बस आपको यह ध्यान देना है कि जो, ये जो टेंडिंग वैल्यू है वही हमारा फिक्स वैल्यू हो जाएगा इस टेंडिंग को आपने अपने हिसाब से ले लिया है। और इसको ले लो वेरिएबल एक्स क्वेश्चन देखो कितना इजी दिख रहा है ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है जैसे ही आपने इसको इस फॉर्म में लिखा क्वेश्चन आसान दिखना शुरू हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन दो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी वाई डी एक्स आर इज द रीजन बाउंडेड बाई कर वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल एज अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस तो इसमें हमें ध्यान से देखो पहले रीजन देखो क्या दिया हुआ है रीजन क्या दिया हुआ है रीजन रीजन दिया हुआ है वाई जुगल टू एक्स स्क्वायर ध्यान से देखो एक तो दिया हुआ है वाई जुगल टू एक्स स्क्वायर विच इज अ पैराबोला बोला इट इज समथिंग लाइक दिस एक दिया हुआ है हमारे लिए y प्लस एक्स इट इज समथिंग लाइक दिस देखो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू टू राइट और ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक दिया हुआ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ ये लाइन तो देखो बेसिकली हमारा जो रीजन बाउंडेड है वो ये रीजन है वो हुआ ये वाला रीजन इस रीजन की बात कर रहा है ये है रीजन हमारा ये है रीजन अब ये हमारा रीजन है ये हमारा रीजन आ है इस रीजन के अंदर इस फंक्शन का मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन जल्दी आंसर निकालो अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में इस रीजन के अंदर निकालना है पहले हमें इंटरसेक्शन और यहां दिया है वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टू यहां रख दो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा जल्दी निकालो x का वैल्यू फाइंड करो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पर x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू माइनस टू सो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा कितना ये हो जाएगा हमारे लिए 1, 1 और इसका हमें जरूरत नहीं है छोड़ दो अब क्या करो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टेकिंग द वर्टिकल स्ट्रिप देखो हॉरिजॉन्टल लिए तो दिक्कत है इसलिए हम यहां पर क्या लेंगे एक वर्टिकल स्ट्रिप हमने अपने से यहां एज्यूम किया एक वर्टिकल स्ट्रिप और इस वर्टिकल स्ट्रिप में यहां पर y का वैल्यू कितना है यार इट इज एक्स स्क्वायर और यहां y का वैल्यू कितना है इट इज इट इज इट इज टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स तो अब हम इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं क्या दिया हुआ देखो हमारे पास इट इज एक्स वाई डी वाई डी एक्स और यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके वाईज इक्वल टू टू माइनस एक्स और एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा यार देखो इस रीजन में एक्स का वैल्यू यहां पर जीरो से लेके कितना वन ये इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा है पहले वाई को इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा यहां पे ये यह जीरो से वन बचा रहेगा इट इज वाई स्क्वायर बाई टू लिमिट लगा दो कहां से कहां तक एक्स स्क्वायर और यहां हो जाएगा टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स और एक्स डी बचेगा रख दो यहां पर पहले जीरो से लेके वन यहां क्या आ जाएगा देखो वन बाय टू को बाहर ले लो वन बाई टू को हमने बाहर ले लिया है ना अब यहां पर देखो क्या आ जाएगा ये टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर फोर बार क्या बचा है एक्स डी एक्स वन बाई टू एज इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू तो वन ये कितना हो जाएगा देखो इट इज फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स टू दी पावर फोर इंटू एक्स डी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इट इज वन बाय टू जीरो से लेके वन जीरो से लेके वन दो यहां क्या आ जाएगा फोर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर फाइव डी एक्स अब इंटीग्रेट कर दो इसको क्या हो जाएगा यहां पे इट इज वन बाई टू फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर माइनस फोर एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स टू दी पावर सिक्स बाई सिक्स लिमिट लगा दो जीरो से लेके वन तो वन पे वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो आंसर आएगा जल्दी से वैल्यू पुट कर दो एक्स का वैल्यू वैल्यून एक्स का वैल्यू वैल्यून पुट कर दो कितना कितना आ जाएगा जाएगा ये two, यहां हो ब्रैकेट में इज माइनस वन बाई सिक्स जल्दी सिंप्लीफाई करो यूज कैलकुलेटर एंड फाइंड द आंसर वेरी गुड यार वेरी गुड लोग आंसर दे रहे थ्री बाई एट आई थिंक थ्री बाई एट इज द करेक्ट आंसर इफ यू गो विद विदिमल थ्री बाय एंड विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव इज दिन करेक्ट आंसर जीरो निकाल रहे हैं द करेक्ट आंसर इज थ्री बाई एट द करेक्ट आंसर इज थ्री बाई एट ध्यान से इसको इसको आप पोलिटिकल से ही सॉल्व करना अगर आपने हॉर्जेंटल लिया तो आपके लिए दिक्कत है अगर आपने हॉर्जेंटल लिया तो आपको इसको स्प्रिट करने पड़ेगा दो पार्ट में एक यहां से इसके नीचे और एक स्क्रीन ऊपर इसीलिए हमने इसको सॉल्व किया है कौन सा स्ट्रिप लेके वर्टिकल स्ट्रिप से सो हियर यू आर नॉट सपोज टू टेक द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप राइट और ध्यान से ये एरिया भी नहीं पूछा गया है क्लियर है सो so हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना था ओवर द गिवन रीजन क्लियर है सो फाइनली द आंसर इज जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन कम ऑन कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक सर्टेन लेवल का क्वेश्चन है जरा देखो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है लेट आर बी द रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द कर वाइजल टू एक्स स्क्वायर वाइजल टू फोर एक्स स्क्वायर x y and then the the value of integral double integral double over region square by x, dy by dy Don't think that 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 एक्स वाईक् वैल्यू last मतलब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन टाइप का है बिल्कुल ऐसा नहीं है ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको इट्स वेरी वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन जना देखो पहले अगर इस क्वेश्चन का रीजन पहले फ्रेम आउट करो तो देखो दो, दो पैरा बोला दिया हुआ है एक पैराबोला है हमारा टू फोर एक्स स्क्वायर एंड दिस लाइक दिस हमारा हो जाएगा वाईज टू एक्स स्क्वायर और ये पैराबोला है वाईज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर और दो

अगर आप इस रीजन में अगर आप स्ट्रिप बना के सॉल्व करना कर, करना शुरू किए तो देखो एक स्ट्रिप तो आपको लेना पड़ेगा इसके पहले और एक स्ट्रिप होगा इसमें मतलब बेसिकली आप अगर इसको स्ट्रिप बना के सॉल्व करते हैं तो आपको तीन अलग अलग स्ट्रिप लेना पड़ेगा एक ये होगा वन और एक आपका ये होगा टू और एक ये होगा आपका थ्री तो तीन अलग अलग स्ट्रिप बनाने पड़ेंगे भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देन हमें तो रीजन यही है

जेकोबियन जीए और क्या आता है यहां पर डी यू डी वी दो अगर हम लोग इसको चेंज ऑफ वेरिएबल कंसेप्ट निकालते हैं देखो क्या दिया हुआ हमें एक दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच मीन्स वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन और एक दिया है वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर विच मीन्स वी कैन से दैट वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर तो मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने बोला वाई बाय एक्स स्क्वायर को ले लो आप यू हमने इसको ले लिया यू तो यहां से मुझे समझ में आता है कि यू वेरी कर रहा है कहां से कहां तक यार वन से लेके फोर ठीक और क्या दिया हमें एक्स वाई इज इक्वल टू वन एंड एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने एज्यूम किया एक्स वाई को वी इसको भी लिया वी तो हमारा वी वेरी कर रहा है कहां से कहां तक वन से लेके फाइव तो मैंने ले लिया यहां पर देखो क्या लिया मैंने वाई को मैंने लिया वाई बाई एक्स स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया है यार एंड वी हैव टेकन एक्स वाई इज इक्वल टू वी यहां से जरा निकाल लो एक्स को एक्स रहने दो वाई का वैल्यू रख दो इट इज यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी विच मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू वी बाई यू स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू टू दावर माइनस वन बाई थ्री एंड वी टू दावर वन बाई थ्री जो हमारे पास x मिल चुका है ये है हमारा x का वैल्यू अगर ये x है तो ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे लिए u इन टू यू टू दावर माइनस वन बाई थ्री एंड वी टू दावर वन बाई थ्री होल का स्क्वायर सो so, यहां से y का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा इट इज माइनस टू बाई थ्री प्लस वन यू देखो यहां हो जाएगा u टू दी पावर u केवल इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यहां आ जाएगा कितना माइनस टू बाई थ्री एंड v टू दावर टू बाई थ्री तो यहां से कितना आ जाएगा देखो y इज इक्वल टू हो जाएगा u टू दावर वन बाई थ्री एंड v इक्वल टू हो जाएगा टू बाई थ्री देख लो यहां से हमें y भी मिल चुका है तो हमें y मिल चुका है और v भी मिल चुका है अब देखो हमारे पास अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें x और यू मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ u एंड v हम लगाएंगे चेंज ऑफ वेरिएबल कंसेप्ट अगर हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा किसका इस जैकोबियन j का इस जैकोबियन j का अब जैकोबियन कैसे निकलता है यार हाउ टू फाइंड द जैकोबियन एक्स वाई को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें u और v में इट इज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू वी इसका डिटरमिनेंट चाहिए हमको so, निकाल लेते हैं जैकोबियन का वैल्यू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कितना हो जाएगा देखो इट इज इट इज माइनस वन बाई थ्री यू टू दावर डिफ्रेंशिएट करे ना इट इज इट इज माइनस वन दट इज माइनस फोर बाई थ्री वी टू दी पावर वन बाई थ्री यू का पार्शियल डेरेवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वी ये हो जाएगा वन बाई थ्री यू टू दावर माइनस वन बाई थ्री एंड वी टू दावर माइनस टू बाई थ्री वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई विद रेस्पेक्ट टू कितना वी ये हो जाएगा कितना वन बाई थ्री यू टू दावर माइनस टू बाई थ्री वी टू पावर टू बाई थ्री और यहां हो जाएगा इसका विद रेस्पेक्ट टू वी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टू बाई थ्री टू बाई थ्री यू टू पावर वन बाई थ्री एंड वी टू पावर माइनस वन बाई थ्री इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो सो वी आर हैविंग जेकोबी एन इज देखो माइनस वन माइनस फोर बाई थ्री वन बाई थ्री कितना हो जाएगा My, ये हो जाएगा कितना माइनस टू इट इज माइनस टू बाई नाइन यू सॉरी यू टू दावर माइनस वन ओके और वी का वैल्यू जीरो हो गया और माइनस वन बाई नाइन माइनस वन बाई नाइन यू टू दी पावर कितना हो जाएगा देखो यहां भी यू टू दि पावर माइनस वन वी के पॉवर कितना हो गया जीरो सो ये आ गया जे इक्वल टू माइनस थ्री बाई नाइन यू टू दावर माइनस वन विच मींस माइनस वन बाई थ्री यू यस सो so, हमारे पास जेकोवियन आ चुका है माइनस वन बाई थ्री यू सो अगर मैं ऑफ मॉडलोन की बात करूं ऑफ मॉडलियन इट इज वन अपॉन हमारे लिए कितना आ आ जाएगा दिस इज ऑफ ऑफ अब हमारे पास अगर आ गया है ऑफ मॉडलियन आ चुका है अब हम लगाते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल कंसेप्ट तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा जो इंटीग्रल पूछा जा रहा है हमसे पूछा क्या गया है इंटीग्रल में देख लो जरा सा इट इज वाई स्क्वायर बाई एक्स डिवाइड हमसे पूछा जा रहा है वाई स्क्वायर बाई एक्स डीवाई डी एक्स इसको हम लोग चेंज करते हैं u और v के में y का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना देखो इट इज u टू पावर वन बाई थ्री वी टू पावर टू बाई थ्री इसका क्या ले लेंगे यार हम लोग स्क्वायर डिवाइडेड बाई x x क्या दिया है इट इज u टू पावर माइनस वन बाई थ्री एंड v टू पावर वन बाई थ्री क्लियर है और जेकोबियन का वैल्यू आ जाएगा इट इज वन अपॉन थ्री यू और डी यू डी वी और लिमिट लगा दो u का u का लिमिट कितना है u निकाल चुके u का, का लिमिट है हमारा वन से लेके फोर और v का लिमिट है से u का लिमिट हो जाएगा कितना u का लिमिट हमारे पास है वन से लेके फोर वन से लेके फोर और ये हो जाएगा वन से लेके फाइव चेक करो क्या आ रहा है वन से लेके फाइव ये हो जाएगा वन से लेके फोर जरा सॉल्व करो इसको कितना आ रहा है

तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री और v का इंटीग्रेशन पहले u कर लो तो ये हो जाएगा u कहां से कहां तक वन से ले लेके फोर v का लिमिट हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू लिमिट लगा दो कहां से कहां तक वन से लेके फाइव सॉल्व कर लो आंसर है यही कमॉन अभी एक यहां वेरी गुड एक लोगों ने आंसर दिया है एक लोगों ने आंसर दे दिया है वेरी गुड देखो ये हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू थ्री इंटू वन बाई टू और यहां कितना पांच पच्चीस पच्चीस ट्वेंटी फाइव

इतना आसान नहीं है इसको तीन स्टेप में सॉल्व करना इसीलिए बोल बोलना जहां ऐसा सिचुएशन दिख जाए तो आपके पास एक और कंसेप्ट है इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है कि इसमें आपको हमने चेंज ऑफ वेरिएबल का सिखा दिया है कि कैसे चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करते हैं और ध्यान रखिएगा जब चेंज ऑफ वेरिएबल लगाते हैं तो यहां जेकोबियन का डिटर्मिनेंट नहीं जेकोबियन इज अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट और वहां है मॉड जेकोबियन तो उसका क्या लिया जाता है मॉड वैल्यू क्लियर है कैसा लगा ये क्वेश्चन वेरी गुड देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ वेक्टर कैलकुलस कम भैया इसका कोई भी इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है इसको ऐसे ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं एक टफ लेवल क्वेश्चन है हमने बताया कि हर एक टॉपिक में एक क्वेश्चन तो टफ रखे ही हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन कमान 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 जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन

दो इसको मान लेते हैं हम लोग एम और इसको हम लोग लेते हैं एन इट इज गिवेन इन टर्म्स ऑफ एम डी एक्स प्लस एक सर्कल है और उसका रेडियस कितना दिया है टू इसका मतलब है अगर क्लोज कर्व है क्लोज कर्व है और वो टू डी का है इसका मतलब ग्रीन थ्योरम थियर है तो हम लगा देंगे कौन सा थ्योरम यार यहां पर ग्रींस थ्योरम जो कि अप्लीकेबल भी है अच्छा ग्रींस थ्योरम में देखो हमें क्या दिया हुआ है एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है इट इज थ्री एक्स माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है इट इज फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई हम लोग निकाल लेते हैं डेल एम बाई डेल वाई एंड दैट इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई इट इज माइनस एट एक्स वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स डेल एन बाय डेल एक्स डेलन बाई डेलेक्स इट इज फोर जरा यहां पर क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा हियर हियर इट इज हीस स्क्वायर वाई तब तो मैच करेगा ना ध्यान से हियर इट इज माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई अब देखो हमारे पास अब यहां पे सही है नाउ हियर वी आर हैविंग फोर एक्स स्क्वायर वाई अब देखो यहां पर अगर हम लोग इसको फाइन करते del y, del y, क्या हो जाएगा हमारे लिए अगर हम लोग आते हैं जीटी थ्योरम तो ये जो इंटीग्रल हमसे पूछा गया है NDY, ध्यान से यहां एक छोटा सा करेक्शन था क्वेश्चन में यार यहां पर एक्स स्क्वायर वाई है जो लिखा था एक्स वाई स्क्वायर ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यार डीएक्स प्लस एन डीवाई विच कैन बी रिटर्न एज डबल इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहां पर डेल एन बाई डेलेक्स डेल एन बाई डेक्स माइनस डेल एन बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी डी एक्स डी वाई जो कि इसका वैल्यू जरा देखो क्या हो जाएगा भाई इट इज डबल इंटीग्रेशन ओवर यहां पर कितना हो जाएगा डेल एन बाई डेलेक्स इट इज इट इज इट इज इट इज फोर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इट इज फोर एक्स स्क्वायर

और यही मुझे यकीन भी था बस इसीलिए इस क्वेश्चन को पिक किया गया है, कि है। होगा हो डायरेक्टली 2 का स्क्वायर उनका आंसर हो गया गलत और ले लिए एरिया भाई साहब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है यहां पर हम लगाएंगे इसको चेंज ऑफ वेरिएबल कांसेप्ट x का वैल्यू क्या लिया जाएगा थीटा ई को क्या लिखा जाएगा आर साइन थीटा क्लियर है तो यहां पर इसको तो यह जब इसको चेंज ऑफ वेरिएबल लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा चेंज 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 ऑफ 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 वेरिएबल 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 जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डबल ये फोर टाइम्स तो रहेगा ही रहेगा डबल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कितना आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आर स्क्वायर जकोबियन का वैल्यू कितना इन टू आर और यहां क्या आ जाएगा डी आर डी थीटा और आर का वैल्यू कहां से कहां तक जीरो से लेके टू और थीटा का वैल्यू जीरो से लेके टू पाई अब देखो हमारे लिए हो जाएगा ये फोर टाइम्स और ये हो जाएगा कितना आर का क्यूब दर टू पावर फोर बाई फोर जीरो से लेके टू थीटा कहां से कहां तक जीरो से लेके टू पाई तो ये फोर से फोर कैंसिल हो गया आर टू पावर फोर ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन इंटू टू पाई द आंसर इज

फोर लोगों ने क्या हम जानते क्या किए होंगे यहां पर क्या किए इसका वैल्यू रख दिया कितना फोर इसका वैल्यू उन्होंने रख दिया फोर तो ये हो गया इनका फोर इन टू फोर और ये हो जाएगा एरिया रख दिए पाई आर स्कवायर हो गया उनका क्या गलत ध्यान से ये गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में क्लियर है, है वैक्टर कैलकुलस का एंड इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन सोल्व करो इसको जल्दी से जल्दी जल्दी वेक्टर कैलकुलस का एक दूसरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो इसको दो क्या लिखा है एक वेक्टर दिया हुआ है एफ दट इज एक्स क्यूब आई प्लस वाई क्यूब जे प्लस जेड क्यूब के कैप इज अ वेक्टर फील्ड वेर आई कैप जे कैप के कैप आर दी बेस वेक्टर ऑफ कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस ऑफ स्पीयर ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन एज अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एनिटी दो हमसे पूछ रहा है आउटवर्ड फ्लक्स बेसिकली हम बात करें फ्लक्स इंटीग्रल का फ्लक्स इंटीग्रल क्या होता है फ्लक्स इंटीग्रल इट मींस इट इज सरफेस इंटीग्रल इट मींस इट इज अ सर्फेस इंटीग्रल सो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है भाई साहब इट इज वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस और हम लोग क्या करते हैं इस सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लेंगे कौन सा थ्योरम यार ये पूछा जा रहा है हम लगा देते हैं यहां पर जीडी थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं किसमें वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल यहां क्या आ जाएगा यार डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इंटू डीवी अगेन देखना इस क्वेश्चन में मिस्टेक लोग करेंगे आंसर निकालो देखो आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक हो रहा है देखो जितने लोग अभी दिए हैं सबका गलत आंसर है काफी लोगों ने आंसर दिया है फोर फाइव विच इज अगेन अ रॉन्ग आंसर क्या भाई साहब देखो डायवर्जेंस ऑफ एफ निकालो पहले डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब हो जाएगा इसको डेरिवेटिव कर दो ये कितना हो जाएगा ये हो गया थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहां आ जाएगा dv अच्छा हमें जो दिया हुआ s क्या है ए सरफेस है दैट दैट इज 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 एंड इक्वल टू सिंस इट अ क्लोज स्फीयर क्लोज सरफेस है इसीलिए हम लोग गाज डाइवर्जन थ्योरम बिल्कुल आराम से अप्लाई कर लिए यार अब भाई साहब मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करना है लोगों ने फिर क्या किया होगा इसका वैल्यू रख दिए होंगे वन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्सर प्लस टू वन जहां आपने इस वैल्यू को पुट किया वहीं आपका हो गया। ऐसे ऐसे। भाई देखो यहां पे मुझे वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्र करना है या तो एक काम कर सकते हैं इसको दो तरीके कर सकते हैं स्पेरिकल क्वार सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लो दो एक तो तरीका है कि इसको स्पेरिकल क्वार सिस्टम में कन्वर्ट करो जब स्पेरिकल क्वार सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका जेकोबियन क्या आता है जेकोबियन तो के फॉर्म में लिखता हूं देखो ध्यान से इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन को यह हो जाएगा थ्री टाइम्स इसका वैल्यू कितना रो स्क्वायर देख लो कितना हो जाएगा यहां पर इट इज रो स्क्वायर और ये हो जाएगा रो स्क्वायर और बाकी ये कितना हो जाएगा इन टू रो स्क्वायर साइन फाइव डी रो डी फाइव डी थीटा लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके वन फाइव का जीरो से पाई थीटा का जीरो से लेके टू पाई यही है जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया उसमें बताया था वैल्यू कितना था इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा देखो क्या हो जाएगा ये इट इज थ्री टाइम इंटीग्रेट कर दो ये कितना हो जाएगा इट इज रो टू दी पावर फाइव बाई फाइव इसका लिमिट हो जाएगा जीरो से लेके वन साइन फाइव का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस फाइव लिमिट लगा दो जीरो से लेकर पाई और थीटा थीटा हो जाएगा कितना जीरो से लेके टू पाई रख दो देखो कितना हो जाएगा ये थ्री बाई फाइव यहां कितना आ जाएगा इंटू टू और ये कितना हो गया इंटू टू पाई कितना हो जाएगा ये इट इज ट्वेल्व पाई बाई फाइव इज द करेक्ट आंसर इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है देखो सेवन पॉइंट फाइव थ्री इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड देखो अब सही लोगों ने आंसर दिया है इट इज ट्वेल्व पाई बाई फाइव अच्छा देखो इसको अगर मैंने दूसरे तरीके से आपको बताते हैं एक बार ध्यान देखो इस इंटीग्रल को करने का एक और तरीका बताते हैं इस इंटीग्रेशन को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं देखो ध्यान से कैसे अच्छा वॉल्यूम कितना होता है इस का इट इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब यहां से जरा डी निकालो तो डीवी कितना हो जाएगा इट इज फोर बाई थ्री

इट इज फोर पाई आर स्क्वायर डी आर इससे भी आंसर आएगा देख लो कितना हो जाएगा ये देखो ये हो गया कितना हमारे लिए r square, r to the power 4, कितना कर देखो देखो ये तुम्हारे पास ट्वेल्व बचा ही इन टू आर टू दावर फाइव बाई फाइव ट्वेल्व पाई बचा है ठीक है और लिमिट लगा दो जीरो से लेके वन कितना आ जाएगा देखो ज 12 पाई बाई 5 अगेन द आंसर इज 12 पाई बाई 5 इससे भी कर सकते हैं सिंगल वैल्यू में कोट कर दिया हूं मैंने बट गलती बस कभी मत करना कि लोग इसका वैल्यू उठाकर पुट कर देते हैं वन और फिर डीवी का अलग भी वैल्यू कितना वॉल्यूम वहीं से क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत जहां जहां स्टूडेंट फंसते हैं सर वही वही क्वेश्चन भाई वही तो टारगेट है कि ये ये मिस्टेक्स आपके एग्जाम में नहीं होना चाहिए और एग्जाम में गेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ट्रिकी क्वेश्चन जहां आपको लगेगा अरे ये कुछ क्वेश्चन था ही नहीं वहीं आप मिस्टेक कर जाओगे जैसे जो लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होने चाहिए ठीक है फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज ट्वेल्व पाई बाई फाइव मुझे पता था लोग यहां मिस्टेक करेंगे एंड दैट इज वाई आई हैव काइंड ऑफ है ये सही मेथड है सर ये ये ये, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो ये इस अच्छा इस यही नहीं आप चाहो तो लास्ट क्वेश्चन में भी इस कंसेप्ट को लगा सकते थे ये जो लिखा है ना इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था इसका इंटीग्रेशन देखो मैं यहां से भी निकाल दूंगा इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो ये यही इंटीग्रेशन चाहिए था अच्छा एरिया क्या होता है सर्कल का इट इज पाई आर स्क्वायर देखो डिफ्रेंशिएट कर दो डी ए क्या हो जाएगा इट इज टू पाई आर डी आर बेसिकली डी एक्स डी वाई क्या है एरिया ही तो है इसको लिख दो डी ए तो देखो ये क्या हो जाएगा इट इज फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर का वैल्यू रख दो इट इज टू पाई आर डी आर लिमिट लगा दो कहां से कहां तक आर का वैल्यू कहां से दिया है? जीरो से लेके टू देखो उससे भी आएगा ये हो जाएगा टू पाई और ये फोर कितना हो जाएगा एट पाई बाहर कर दो ये हो जाएगा आर का क्यूब डेरिवेटिव कर दो आर टू दी पावर फोर बाई फोर लिमिट लगा दो जीरो से लेके टू ये हो जाएगा कितना इट इज टू पाई इन टू सिक्सटीन कितना आ गया थर्टी टू पाई देखो यहां भी थर्टी टू पाई है और यहां भी थर्टी टू पाई है इससे भी हो सकता है यहां पर बट चेंज ऑफ वेरिएबल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो उससे याद रखो वो भी तरीका है ये भी तरीका है जिससे आपको जो समझ में आए उससे आप कर ले जाओ क्वेश्चन को ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन आई आप देखो हमने हर ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स

डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो जल्दी आंसर निकालो इट इज एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच मीन एम माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो विच मीन एम इज इक्वल टू वन का मा वन सो इसका सोलूशन क्या हो जाएगा यार y is equal to c1 plus c2 x into e to the power x अब देखो हमारे पास क्या है y is equal to c1 plus c2 x e to the power x अच्छा इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो dy by dx निकाल लेते हैं dy by dx निकालो क्या हो जाएगा यार फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन c1 plus c2 e to the power x पावर एक्स टू एक्स फर्स्ट फंक्शन डेली पर अच्छा अब बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई का वेल्यू दिया हुआ पर कितना जीरो रख दो इसमें जीरो इज इक्वल टू यहां कितना सी वन ये हो गया जीरो तो सी वन का वैल्यू आगे कितना जीरो अच्छा एक और कंडीशन दिया हुआ देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है जीरो इसमें रख दो एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा वन इक्वल टू एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दो यहां बचेगा कितना सी वन राइट और यहां कितना हो जाएगा प्लस सी टू सो यहां से सी टू का वैल्यू आगे कितना वन देखो सी वन का वैल्यू जीरो सी टू का वैल्यू कितना आया हमारा है वन तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी टू का वैल्यू वन दट इज एक्स x, e x. हमसे क्या पूछा है पावर वन बाई टू विच मीन्स इट इज रूट ऑफ ई डिवाइड बाई टू रूट ऑफ ई डिवाइड बाई टू विच इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वेरी गुड यार वेरी गुड काफी लोगों ने पहले से ही आंसर निकाल रखा है वेरी गुड एक क्वेश्चन तो मॉडरेट मिलेगा ही भाई सब चलो अगला क्वेश्चन लो देखो जरा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो कम ऑन जल्दी जल्दी क्विक क्विक जल्दी सॉल्व करो इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन देखो, हमसे पूछा गया है आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री तो पहले आपको यही पता होना चाहिए आर्थो तो बहुत kind of है। आर्थो क्या है कि एक के एक दूसरा निकालना है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे दैट इज कॉल्ड आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री तो सबसे पहले तो हमें आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है 1, 1. देखो, ध्यान से इट्स वेरी गुड क्वेश्चन अगेन इस टाइप की क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करिएगा जो क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई सबसे पहले इसको डिफ्रेंसिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या जाएगा टू एक्स माइनस टू आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के डी वाई बाई डी एक्स तो यहां से लिख सकते हैं इट इज टू एक्स इज इक्वल टू टू आई प्लस के डीवाई बाई डी एक्स और हमें क्या करना होगा पहले यहां से के एलिमिनेट करना है वी आर गोइंग टू इलेमिनेट दिस के हमें के को इलेमिनेट करना है एक काम करो इसमें इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे यहां जाएगा टू एक्स वाई इट इज टू वाई स्क्वायर प्लस के वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स ना हो ना हो ना ना वाई का वैल्यू उठा के दोबारा पुट कर दो के वाई हमें दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज डी वाई बाई डी एक्स विच मीन वी आर है प्लस वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स नाउ यू कैन सी जो हमारे गिवन फैमिली आप करता है उसका इक्वेशन मिल चुका है अब हम लोग क्या करेंगे यार रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स विथ माइनस डीएक्स बाई डी वाई टू फाइंड्रजेक्ट्री डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे माइनस डीएक्स बाई डी वाई से तो रिप्लेस कर दो यहां पर क्या हो जाएगा टू एक्स वाई टू एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां हो जाएगा कितना माइनस डीएक्स बाई डी वाई सो वी आर हैविंग टू एक्स वाई डी वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स या इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई एंड इक्वल टू जीरो अब मुझे इसका सोलूशन निकालना है तो देखो ये है एक तरीके से मान लो एमडीएक्स प्लस एनडीवाई के फॉर्म में यह है एमडीएक्स प्लस एनडीवाई चेक करो क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हम निकालते हैं डेल एम बाईल इट इज अगेन इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोलूशन कैसे निकालेंगे हम लोग इंटीग्रल एम डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेकिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट इन टू डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स एन में वो टर्म जो एक्स फ्री हो इसका मतलब इंटीग्रेट कर दो कितना एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड दट इज इक्वल टू सी विच मीन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू थ्री सी

हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू फोर चेक करो ऑप्शन एक्स क्यू प्लस इक्वल टू फोर ऑप्शन ए इज में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आना चाहिए अल्दो मुझे यहां से साफ साफ दिखा है कि वो एक्जेक्ट ऑलरेडी था तो हमने लगा दिया कंसेप्ट इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एनडीवा बस ध्यान से एन में वो टर्म लिया जाता है विच इज फ्री फ्रॉम क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अभी तक दो गेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए देयर इज चांसेस इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुका ऑलरेडी तो ध्यान से जरा इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं है डेलजेड बाई डेलेक्स माइनस एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस टू वाई अच्छा इस टाइप क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हुए ऑलरेडी हैं आपको बस फॉर्म पहचानना है दो इसका अगर मैं सब्सिडियरी इक्वेशन लिखता हूं अगर मैं इसका सब्सिडियरी इक्वेशन लिखा जाए तो इसका सब्सिडियरी इक्वेशन क्या लिखा जाएगा इट इज डी एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई माइनस एक्स वाई एंड दट इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाई एक्सड माइनस टू वाई अब क्या करो इन सबसे को पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो इसी को ले लेते पहले डी एक्स डिवाइड y वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई माइनस एक्स वाई तो वाइस वाई कैंसिल हो जाएगा ये कितना रहेगा माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो ये आ जाएगा कितना टू, एंड दैट इज लिख सकते हैं हम लोग कितना इसको लिख सकते हैं सी वन कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू सी वन ठीक है नेक्स्ट एक दूसरा सबसे डेरी क्वेश्चन कर लो इन दोनों को ले लो एक साथ इन दोनों को ले लो एक साथ क्या है यहां पे डी वाई माइनस एक्स वाई एंड देवल टू डी जेड डिवाइड बाई एक्सड माइनस टू वाई तो यहां से आ जाएगा देखो इट इज माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी जेड नहीं एक्स नहीं वाई वाई आएगा ना एक्स तो एक्स कैंसिल हो जाएगा केवल वाई बचा है. तो ये हो जाएगा देखो जेड डी वाई माइनस टू आई डी वाई और इसको इधर ले लो प्लस वाई डी जेड एंड दैट इज इक्वल टू जीरो अच्छा देखो इन दोनों को एक साथ ले लो इन दोनों को एक साथ ले लो जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड वाई डी जेड माइनस टू वाई डी वाई एंड दैट इक्वल टू जीरो अच्छा देखो इसको क्या लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हैं इसको मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई नहीं एक्स वाई नहीं डेरीवेटिव ऑफ वाई जेड माइनस टू वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इंटीग्रेट कर दो ये आ जाएगा सो बेसिकली so क्या बचा केवल एंड से इंटीग्रेटिंग इज़ अब इसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं ठीक है कंप्लीट सोलूशन क्या हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इस टाइप से इसका हम लोग क्या लिखते हैं सोल्यूशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड अरे यहां पर आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस हम चाहे तो इसको यहां से अगर हम लोग चाहे तो यहां से इसको लिख सकते हैं ना भाई वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और यहां कॉन्स्टेंट माइनस सी टू आएगा तो बेसिकली सी टू को फिर सी टू लिख लो तो हमारे पास चॉइस है इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं ना वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड भी हमारे पास जो सोलूशन दिया है वो इसी फॉर्मेट का दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड सो इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट वेरी गुड यार वेरी गुड काफी लोगों ने सही आंसर निकाला है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से भी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं एक क्वेश्चन सिंपल फिर एक क्वेश्चन और उससे अच्छा एक क्वेश्चन उससे और अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा कंप्लेक्स वेरिएबल क्या है यार अगर हम लोग बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो जेड बार का स्क्वायर हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टू प्लस आई जेड बार का होल स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं जीरो से लेके टू प्लस आई और ये हो जाएगा हमारे लिए कितना एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और डीजेड है यहां पर डी जे क्या लिखेंगे हम लोग डीएक्स प्लस आई डी वाई विच कैन बी रिटेन एज जीरो से लेके टू प्लस आई और ये हो जाएगा हमारे लिए कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आई टाइम्स टू एक्स वाई टू एक्स वाई एंड हियर इट इज डी एक्स प्लस आई डी वाई कमान कमान जल्दी आंसर निकालिए आंसर आंसर क्विक फास्ट आंसर अच्छा जरा देखो यहां पर यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर आई स्क्वायर अभी आएगा तो आई का वैल्यू कितना हो तो जाएगा माइनस यहां माइनस आ जाएगा ठीक है अब जरा देखो हमें दिया हुआ पाथ हमें पाथ क्या दिया वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू यहां से निकाल लो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई टू एक काम करो पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स रख देते हैं हम लोग यार तो अगर मैं इसको रखता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट करता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स तो X का वैल्यू जीरो से लेकर टू माइनस कोई का वैल्यू कितना एक्स बाई टू इट इज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आई इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना एक्स बाई टू क्लियर डीएक्स का वैल्यू डीएक्स रहने दो प्लस आई डी वाई का वैल्यू इट इज डी एक्स बाई टू तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टू इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू और यहां से इट इज डी एक्स प्लस आई डी एक्स बाई टू यहां से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ये बचेगा कितना जीरो से लेके टू ये कितना हो जाएगा वन दैट इज फोर फोर माइनस वन दैट इज वन बाई थ्री माइनस आई बाई टू नहीं वन बाई थ्री नहीं वन बाई फोर और यहां पे क्या बचेगा वन प्लस वन प्लस आई बाई टू और यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स एक बार जरा चेक करो एक बार जरा चेक करो जल्दी से इसको सॉरी यहां पर थ्री बाई फोर आएगा ना यार चार में से कितना अच्छा यहां से टू से टू कैंसिल भी होगा यार देखो यहां पर यहां पर टू यहां यहां है यहां भी 2 है तो यहां पर ऑलरेडी टू है एक इट इज ऑलरेडी टू तो यहां से टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर टू नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर केवल क्या बचा फिर इट इज माइनस आई ओनली तो यहां आ जाएगा by minus I in bracket, plus I by इनको मल्टीप्लाई करो जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली इट इज थ्री बाई फोर आई सॉरी थ्री बाई फोर माइनस आई और यहां क्या आ जाएगा वन प्लस आई बाई टू और इसको अलग से इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेके टू डी एक्स तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर माइनस आई वन प्लस आई बाई टू और यहां कितना टू तो ये हो जाएगा हमारे लिए कितना ये हो जाएगा एट बाई थ्री एट बाई थ्री को बाहर रखो एट बाई थ्री हो जाएगा इसको बाहर मल्टीप्लाई करो देखो थ्री बाई फोर वन से मल्टीप्लाई होगा थ्री बाई फोर ही रहेगा इस आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू ठीक है और आई के साथ क्या आ जाएगा आई के साथ देखो क्या क्या आएगा आई का वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगा किससे यहां आई का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा थ्री बाई एट थ्री बाई एट और आई का वैल्यू यहां से माइनस वन सिंप्लीफाई कर लो आंसर है जल्दी सिंप्लीफाई करिए सिंपलीफाई करिए एट बाई थ्री ये कितना हो जाएगा यार इट इज फाइव बाई फोर टू से टू कर दे कर फोर फाइव बाई एट और यहां कितना आई के साथ ये हो जाएगा एट में से दैट इज दैट इज यहां आ जाएगा हमारे पास इट इज इट इज इनफैक्ट माइनस में आ रहा है ये। इट इज माइनस फाइव आई बाई एट इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर हो जाएगा एट बाई थ्री ये कितना हो जाएगा देखो इट इज टेन तो इट इज टेन माइनस फाइव आई डिवाइड बाई एट एट से एट कैंसिल एट एट से कैंसिल, ये हो जाएगा कितना टेन माइनस फाइव आई डिवाइड बाई थ्री इज फाइव कॉमन ले लो तो दाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री ब्रैकेट में क्या बजेगा फाइव बाई थ्री ब्रैकेट में टू माइनस आई इज दंसर

इसको मान सकते हैं टी और पूरे इंटीग्रेशन को चाहो तो कन्वर्ट कर लो इन टर्म्स ऑफ टी बट वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा इस क्वेश्चन में बट कुछ क्वेश्चन में फायदा हो सकते हैं ठीक है फिलहाल हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स और सॉल्व कर लिया हमने कहां से तो हमसे बोला गया था ना जीरो से लेके टू प्लस आई तो यहां पर एक्स का वैल्यू कितना था टू हमने पूरा कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ टू अगर यही इन टर्म्स ऑफ वाई करते तो हम ले जाते जीरो से लेके वन क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो स ट्रांसफॉर्म के भी क्वेश्चन है और और फोरियर के भी क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है लास्ट ईयर मैकेनिकल में फोरियर ही पूछ लिया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो अगेन इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दो यहां पर इस क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस है जरा ध्यान से करना गलत नहीं होना चाहिए ध्यान से करिए क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए कमॉन कमॉन हमें क्या दिया हुआ है अल्फा क्या दिया हुआ है यार इंटीग्रेशन ई टू पावर आई पाई जेड इसमें गलती करने के चांसेस हैं टू जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड प्लस टू डी जेड अच्छा देखो पहले फाइंड करते हैं इसका पोल्स क्या है इसका पोल्स क्या है अगर हम लोग इसका पोल्स फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास है टू जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा कितना इट इज टू जेड माइनस वन एंड जेड माइनस टू जेड माइनस टू यस अब देखो अब यहां से हमारे पास जेड का वैल्यू कितना आ गया एक आ गया वन बाई टू और एक आ गया जेड का वैल्यू कितना टू देख लो ये हमारे पास पोल्स आ गया यार अब अगर हमारे पास पोल्स आ गया अच्छा ये देखो जरा देखो क्या दिया हुआ है सी जो है सी का वैल्यू लिखा हुआ है इट इज cos t plus i sin t बेसिकली इट इज e टू द पावर i पाई मतलब i t सो बेसिकली ये क्या है एक सर्कल का इक्वेशन है और t कहां से लिया है 0 से लेके 2 पाई मतलब एक कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा है जिसका रेडियस कितना है 1 सो so ये सी हमारा है एक क्लोज कंटूर है जिसका रेडियस है 1 यहां पर का आया पोल से एक और और ये के के अंदर है और टू, कंटूर के क्या है बाहर है सो so, हमारे पास केवल एक ही पोल है जो क्लोज कंटूर के क्या है अंदर है इसका मतलब मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकता हूं हमसे इसका वैल्यू पूछा है नाउ वी कैन अप्लाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला पूछा क्या गया ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस द अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे देखो इसको लिखते हैं e टू पावर अल्फा इक्वल टू ध्यान से देखो इसको कैसे लिखेंगे इट इज e टू पावर i पाई z डिवाइडेड बाई इसको लिख रहा हूं टू जेड माइनस वन और यहां क्या आया है जेड माइनस टू डी जेड अब हमारे पास पोल एक है इन क्लोज कंटूर इसको मैं लिखता हूं देखो ध्यान से और ये पोल ये वाला है तो इसको मैं लिखता हूं इंटीग्रल ओवर क्लोज कंटूर ई टू पावर आई पाई जेड डिवाइड बाई जेड माइनस टू होल डिवाइड बाई टू जेड माइनस वन लेकिन एक बात का इसमें ध्यान देना है जब आप क्लोज कंटूर में जब जब आप इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर में क्या आता है जेड माइनस ए तो यहां से आपको टू कॉमन लेना पड़ेगा मैं लिखता हूं वन बाई टू कॉमन नाउ वी कैन राइट इट इज ई टू दावर आई पाई जेड डिवाइड बाई जेड माइनस टू डी जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन बाई टू अब ये हमारे लिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड नाउ दिस इज एफ ऑफ जेड सो अब हमारे पास क्या है यार ऑफ टू पावर आई पाड डिवाइड बाई जेड माइनस टू फाइन कर लो एफ ऑफ जेड का वैल्यू कहां पर एट जेड इक्वल टू वन बाई टू पर तो ये हो जाएगा कितना e टू दी पावर i पाई बाई टू और यहां पर यहां रखेंगे वन बाई टू तो ये कितना हो जाएगा वन बाई टू माइनस टू ऊपर क्या है आई डिवाइड बाई माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू ये हो जाएगा कितना माइनस टू आई बाई थ्री राइट अब देखो इस इंटीग्रल का वैल्यू एफ जेड का वैल्यू निकाल चुका हूं एफ जेड इक्वल टू वन बाई टू पे तो ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या है यहां वन बाई टू ऑलरेडी है सो so, यह हो जाएगा वन बाई टू इंटू टू पाई आई टू एफ जेड का वैल्यू कहां पर एडजेड इक्वल टू वन बाई टू पर तो ये वैल्यू आया हमारे लिए कितना कितना इट माइनस टू आई थ्री जाएगा देखो ये यहां पर टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा देखो देखो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस माइनस प्लस कर दिया एक टू से टू कैंसिल तो यह हो जाएगा पाई टू पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री सो अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है अल्फा इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री हमसे बोल रहा मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा यार अगेन इट इज इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है टू पाई बाई थ्री हमसे बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर टीजर विच इज लेस देन आर इक्वल टू दो अगेन कुछ लोगों ने गलतियां कर दिया फोर पाई आई बाई थ्री आया है वही गलती है भाई साहब यहां आपको ये जो आया है यहां आपको टू कॉमन लेना पड़ेगा टू जेड माइनस वो नहीं लिख सकते यहां पर क्योंकि कॉची इंटीग्रल फार्मूला में होता है जेड माइनस ए जितने लोगों का आंसर आ रहा है फोर इट इज द रॉन्ग आंसर आंसर देखो क्या हो जाएगा इट इज टू इंटू सेफ पाई डिवाइड बाई थ्री विच इज टू पॉइंट यह आ जाए कितना विच इज मॉड ऑफ 2.09 तो ये हो जाएगा कितना 2.09 सो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या आ जाएगा इट इज टू द आंसर इज टू यहां पर ना जब कॉची इंटीजर फॉर्मूला लगाते हैं तो इस बात का ध्यान देना है यहां पर फार्मूले में टू जेड माइनस ए नहीं होना चाहिए कुछ भी हो यहां पर जेड के साथ जो कोफिशियंट है वो क्या होना चाहिए केवल वन होना चाहिए तभी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लीकेबल है सो द फाइनली द करेक्ट आंसर इज टू फॉर दिस क्वेश्चन क्लियर है वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्लेक्स वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन और इस बार पूरी 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 जितने लगे लाइव में सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए कम ऑन कमॉन क्विक फास्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सिविल के गेट के सिलेबस में नहीं है बट इन दस ये ई एस के सिलेबस में है अगला टॉपिक आपको जो दिखेगा वो दिखेगा गेट के सिलेबस का जल्दी इसका आंसर निकालो हमसे पूछ रहा है आई डिवाइड बाई फोर माइनस पाई इंटीग्रल dz डिवाइड बाई जेड कॉस जेड इसका वैल्यू पूछ रहा है भाई क्वल टू फोर ये है अब जरा देखो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा इसका वैल्यू कैसे सॉल्व होगा पहले तो देखो इसका पोल्स फाइंड करो पोल्स फाइंड करते हैं तो z cos z का वैल्यू जीरो करो तो हमें क्या मिलेगा एक z इक्वल टू जीरो और क्या मिलेगा यार cos z कहां का जीरो हो जाएगा यार प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन अच्छा जो हमें क्लोज कंटूर दिया है वो है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है यार फोर है ये एक सर्कल है जिसका रेडियस फोर है ये क्लोज कंटूर दिया हुआ है अच्छा देखो थ्री पाई बाई टू का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा थ्री पाई बाई टू थ्री वो चार से बड़ा है इसका मतलब है जो क्लोज कंटूर के अंदर पोल्स है केवल यही तीन पोल्स होंगे क्या क्या आएगा एक एक हो गया जेड इक्वल टू जीरो और एक हो जाएगा हमारे लिए कितना pi by two. और एक होगा हमारे लिए कितना यार यही तीन तीन हैं जो कि क्लोज है अंदर है सिंस वी हैविंग मोर देन वन पोल इन साइड आर सपोज टू अप्लाई द रेसिड्यू थियरम अब यहां हम लोग लगाएंगे कौन सा थियरम रेसिड्यू थियरम तो so, जो रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे तो यहां क्या आएगा आई फोर माइनस पाई इंटीग्रल डी जेड डिवाइड बाई जेड कॉस जेड एंड दैट शुड बी इक्वल टू आई अपॉन फोर माइनस पाई तो सेम रहेगा इंटू टू पाई आई ब्रैकेट में सम ऑफ रेसिड्यू दैट इज रेसिड्यू यहां क्या लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू पाई बाई टू प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू माइनस पाई बाई टू तो तीनों हमको रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा एक जेड इक्वल टू जीरो पर एक जेड इक्वल टू पाई बाई टू पर और एक जेड इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे सो पहले फाइंड करते रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो क्या लिखा जाएगा यार लिमिट जेड टेल्स टू जीरो सिंपल पोल है जेड टेल्स टू जीरो क्या आएगा यार जेड माइनस जीरो देखो यहां जेड से जेड कैंसिल जेड का वैल्यू जीरो रख दो तो जीरो पे वैल्यू कितना वन कितना आ गया वन नाउ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू पाई बाई टू तो क्या आ जाएगा यार लिमिट जेड टेंडिंग टू पाई बाई टू जेड माइनस पाई बाई टू अगेन इट इज अंपल पोल इट इज वन अपॉन जेड कॉस जेड यार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरो है ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ चुका है यहां लगा दो क्या चीज यार एल हॉस्पिटल रूल डिफ्रंशिएट कर दो लिमिट जेड टेंस टू पाई बाई टू न्यूमिरेटर हो गया वन डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन

पाई, पाई नीचे ऊपर टू ठीक है माइनस टू बाई पाइव क्योंकि यहां पर माइनस साइन भी है तो माइनस पाई बाई टू आ गया ठीक है नाउ नेक्स्ट रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू माइनस पाई पाइव तो यहां क्या आ जाएगा यार लिमिट जेड टेंडिंग टू पाई बाई टू जेड प्लस पाई बाई टू जेड प्लस पाई बाई टू और यहां क्या आएगा डिनोमिटर में जेड कॉस जेड अगेन ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है जेड टेंडिंग टू माइनस पाई बाई टू है ये तो अब यहां पे यार जीरो बाई जीरो का फॉर्म है अगेन लगा दो एलॉस्पिटल रूल तो न्यूमरेटर हो जाएगा वन यहां हो जाएगा जेड माइनस साइन जेड प्लस कॉस जेड

माइनस टू बाई पाई माइनस टू बाई पाई ठीक तो ये हो जाएगा माइनस टू पाई डिवाइड बाई फोर माइनस पाई यहां क्या हो जाएगा यार वन माइनस फोर बाई पाई तो देखो ये हो जाएगा माइनस टू पाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई फोर माइनस पाई और ये हो जाएगा पाई माइनस फोर डिवाइड बाई पाई पाई से पाई कैंसिल ये हो जाएगा कितना पाइस पाई कैंसिल फोर माइनस पाइस फोर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस द आंसर इज टू चेक करो वेरी गुड यार वेरी गुड इज लाइक इरफान खान ठीक है भाई साहब अब वो चले गए इरफान साहब ठीक है एनी वे चलो सो so हमारे पास वो फाइनल ध्यान से इसमें देखो इसमें क्या है ध्यान से जब भी एक से ज्यादा अगर पोल क्लोज कंटूर के अंदर होता तो हम लोग क्या लगाते हैं हमारा क्या आ गया यार आंसर आ गया क्लियर है यार गॉट इट चलो तो ये तीन क्वेश्चन में देखा था किससे यार कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ने वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड कम ऑन और ये बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी गुड क्वेश्चन इसमें मतलब थोड़ा कैलकुलस भी यूज है थोड़ा मेथड न्यूमेरिकल्ट भी यूज है थोड़ा फार्मूला भी मैक्सिम वैल्यू ऑफ एरर टर्म ऑफ कंपोजिट ट्रेपेजाइडल रूल वेन इट इज यूज टू इवेल्यूएट द डेफिनेट इंटीरियल ऑफ जीरो से लेके टू 1.4 पॉइंट फोर साइन एक्स माइनस एल सब इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ इज़ इक्वल टू हमसे एरर पूछ रहा है क्या आपको एरर का फार्मूला याद है तो एरर का फार्मूला होता है बाय ट्रेपेजाडल रूल इट इज बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इनटू एच स्क्वायर मैक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव का मैक्सिमम वैल्यू इंटू एच होता है इट इज बी माइनस ए डिवाइड बाई एन यहां एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना ट्वेल्व और हमसे जो बोला गया है इंटीरियर का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू से लेके वन पॉइंट फोर इट इज साइन एक्स माइनस एल एन एक्स डी एक्सो यहां पर बी का वैल्यू है वन पॉइंट फोर ए का वैल्यू है जीरो पॉइंट टू तो यहां से अगर मैं रख दू तो हमारे पास टी हो जाएगा इट इज बी माइनस ए डिवाइड बाई ये तो रहेगा यहां यहां भी क्या हो जाएगा एच का वैल्यू बी माइनस ए डिवाइड बाई दो एन का वैल्यू यहां एन आएगा इसका होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा मैक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ट्रिपल रूल का अब ये हो जाएगा कितना बी माइनस अच्छा देखो यहां पर एन का वैल्यू कितना दिया है ट्वेल्व का वैल्यू देखो कितना दिया है ट्वेल्व तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास और बी का वैल्यू दिया हुआ जीरो माइनस और ये हो जाएगा किसका होल क्यूब इंटू मैक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स इंटरेस्टिंग थिंग इज वी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अच्छा देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है इट इज साइन एक्स माइनस एल एन एक्स इसका हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव का चलो पहले निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा देखो फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज कॉस एक्स माइनस वन बाई एक्स सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स इट इज माइनस साइन एक्स सॉरी हा ठीक है और ये हो जाएगा कितना प्लस प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर सो बेसिकली हमारे पास आ चुका है एफ डबल डैश एक्स दैट इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स ये आ चुका हमारे पास यार अब मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है दो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे दो एक बात समझो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं जरा ध्यान से देखो इट इज समथिंग लाइक दिस ठीक और साइन एक्स का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो कैसा होता है यार इट इज समथिंग लाइक दिस अच्छा दो ये है वैल्यू पाई बाई टू अच्छा हमें दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू से लेके वन पॉइंट फोर अच्छा पाई बाई टू का वैल्यू वन पॉइंट फाइव सर मतलब वन पॉइंट फोर विल बी समवेर हियर यहां कहीं वन पॉइंट फोर है ये मान लो वन पॉइंट फोर और यहां कहीं है मान लो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू ठीक देखो इसको एनालिसिस से निकालते हैं कि इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा अब सोचो ये हमें क्या चाहिए इसका तो कहां मिलेगा? जहां ये वैल्यू मैक्सिमम हो और ये वैल्यू मिनिमम हो अच्छा साइन एक्स का वैल्यू देखो अब हमें इस रेंज में चाहिए वन पॉइंट यहां से लेके यहां तक तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां पर है जीरो पॉइंट टू पर और वन बाय एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहां है जीरो पॉइंट टू पर वैल्यू जितना छोटा लोगे पूरा टर्म कितना है उतना बड़ा आएगा इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा 0.2 पर तो रख दो एफ डबल एक्स निकाल लो एफ डबल डैश एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ इट इज वन अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर माइनस साइन जीरो पॉइंट टू बेसिकली साइन जीरो पॉइंट टू इट इज अर टू जीरो सकते हैं जीरो और ये हो जाएगा कितना सॉल्व करो इट इज ट्वेंटी फाइव अच्छा अगर देखो अगर मान लो मैं फाइंड करता हूं साइन का वैल्यू साइन पॉइंट टू का वैल्यू तो ये आएगा जीरो मतलब माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर विच इज नियर टू अप्रोक्सीमेटली जीरो ठीक है तो ये हमारे पास ये हमारे पास ओवरऑल डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 25 यहां रख दो इट इज 1.4 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 12 का होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब इनटू 25 अच्छा ये हो जाएगा 1.2 1.2 ये हो जाएगा कितना 1.2 डिवाइडेड बाय 12 इसका क्यूब इनटू 25 सो द आंसर इज 0.025 इज द फाइनल आंसर फाइनल आंसर इज जीरो गुड ये जीरो पॉइंट ये 0.25 वेरी गुड वेरी गुड यार वेरी yeah, गुड कई लोगों ने करेक्ट आंसर निकाला है इसमें यहां पर ना या तो एक तरीका है कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो फिर उसको जीरो करो चेक करो कि कहा मैक्सिमम होगा बट एनालिसिस से ग्राफ का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एनालिसिस से भी आप निकाल सकते थे कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम न्यूमेरिकल मेथड come on. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड दो न्यूमेरिकल मेथड में हम बात करते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है dy बाई डीएक्स जल्दी सॉल्व करो dy बाई डीएक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन दिया है वाई वन पे वैल्यू दिया हुआ है टू बेसिकली एक्स नॉट का वैल्यू वन पे वाई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है टू वाई नॉट दिया हुआ टू ठीक सो वी आर है एंड वाई नॉट इज इक्वल टू टू है ना स्टेप साइज लिया है वन तो मैं लेता हूं एक्स वन विच इज वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन यहां पर वाई वन क्या हो जाएगा इट इज वाई नॉट प्लस याद होना चाहिए आपको वाई एन प्लस वन इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन का मा वाई एन दिस इज दर फार्मूला तो यहां क्या हो जाएगा वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट तो यह हो जाएगा कितना वाई नॉट प्लस एच और ये हो जाएगा कितना अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर रख दो यहां पर यह हो गया टू प्लस एच का वैल्यू कितना जीरो पॉइंट वन अंडरवुड ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो यूल गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेप इट इज रूट ओवर फाइव इन टू पॉइंट वन प्लस टू इट इज टू पॉइंट टू टू तो एक स्टेप चला हमने निकाल लिया वन पॉइंट वन पे अभी एक स्टेप और जाना पड़ेगा हमें क्या चाहिए एक्स टू पे वैल्यू चाहिए दैट इज वन पॉइंट टू और एक्स टू पे जब निकालोगे तो आएगा वाई टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन विच इज वाई वन प्लस जीरो पॉइंट वाई वन प्लस एच रूट ऑफ एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लो वाई वन का वैल्यू कितना है इट इज टू पॉइंट टू टू प्लस एच का वैल्यू पॉइंट वन अंडर रूट ऑफ वन पॉइंट वन का स्क्वायर प्लस टू पॉइंट टू टू का स्क्वायर सिंप्लीफाई करो आंसर इट इज टू पॉइंट फोर सिक्स सेवन वेरी गुड यार वेरी गुड काफी लोगों ने नहीं 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 भाई एक ही स्टेप निकाले मिस्टर शुभम आप लोगों ने एक ही आंसर निकाला एक ही स्टेप अगला स्टेप चाहिए हमको हमसे पूछा गया है 1.2 पे न कि 1.1 पे कुछ लोगों ने आंसर ये दे रहे हैं ये तो एक स्टेप चलना हमें दो स्टेप चलना पड़ेगा हमें पहुंचना पूछा है y का वैल्यू 1.2 पे मतलब x2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 उस पे y2 का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे 2.467 वेरी गुड यार वेरी गुड कुछ लोगों ने सही आंसर निकाला है बिल्कुल चेक कर लो ए आंसर है यार

रूट ओवर टी बाई पाई एंड दैट इज इक्वल टू गिवेन एज एस टू द पावर माइनस थ्री बाई टू ये दिया हुआ है अब मुझसे पूछ रहा है कि ये बताओ जी टी रूट ओवर पाई टी का वैल्यू क्या होगा देखो ये पूछा जा रहा है पाई टी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना हमें है यार अच्छा देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो इसको मैं क्या लिख रहा हूं लैपलास ऑफ है ना ये चाहिए हमको टू टाइम्स रूट ओवर टी अपॉन पाई डिवाइडेड बाई टू टी जरा चेक करो तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं देखो टू से टू कैंसिल रूट ओवर टी बाई पाई नीचे टी है तो टी से रूट टी कैंसिल तो क्या जाएगा वन अपॉन रूट पाई टी मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अब देखो ये बात समझो ये है एफ एफ एस यहां से इसको मैं एक काम करो यहां से इट्स वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहां से टू को बाहर ले लो पहले तो यह आ जाएगा ऑफ टाइम्स रूट ओवर टी बाई अब सोचो सोचो हमें क्या दिया हुआ है ये हो जाएगा ये लैप्लास इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है डिवाइडेड बाई टी है और जब डिवाइडेड बाई टी होता है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं यहां पर जाता है क्या चीज एक इंटीग्रेशन हम यहां से लिख सकते हैं इट इज वन बाई टू टी से जब डिवाइड करते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहा था लेके इंफिनिटी किसको एफ एस डी एस इट इज एफ एस डी एस और एफ एस का वैल्यू पता है इट इज वन बाई टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस से लेके इंफिनिटी एफ एस का वैल्यू यही है यह एफ एस क्या हो जाएगा यहां पर इट इज एस टू दावर माइनस थ्री बाई टू इसका इंटीग्रेशन डी एस इंटीग्रेट कर लो इट इज वन बाई टू एस टू दावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस थ्री बाई टू प्लस वन एस से लेके इन्फिनिटी, तो पहले ये हो जाएगा कितना वन बाई टू एस टू दावर माइनस वन बाई टू और डिवाइड बाई माइनस वन बाई टू ठीक देख लो तो वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल आ गया माइनस आ जाएगा एस टू दी पावर माइनस वन बाई टू लिमिट लगा दो एस से लेके इनफिनिटी तो ये हो जाएगा इंफिनिटी जीरो जीरो माइनस एस टू दी पावर माइनस वन बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा एस टू दी पावर माइनस वन बाई टू इज दू दावर माइनस वन बाई टू इज दर आंसर कहां गया आंसर यार एस टू दी पॉर माइनस वन बाई टू इज दी इज करेक्ट थोड़ा सा मैनुपलेन था, था हमने कई बार कंसेप्ट बताया गया एक टी से मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है डिफरेंस जब टी से डिवाइड होता तो क्या होता है इंटीग्रेट इतना इसमें यार सो दिस इज क्वेश्चन फ्राम चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यार एंड द नेक्स्ट एंड दास्ट क्वेश्चन फॉम द फोर ईयर सीरीज दो फोरियर सीरीज क्या बोला दर सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स का वैल्यू माइनस पाई से पाई इज गिवेन बाई एक्स माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट बा वैल्यू ऑफ ए नॉट हमसे ए नॉट का वैल्यू पूछ रहा है आई होप यू नो द फॉर्मूला ऑफ आई नॉट अच्छा फंक्शन डिफाइन कहां से है माइनस पाई से पाई जल्दी से निकालो ए नॉट का वैल्यू क्या लिखा जाएगा यार इट इज इंटीग्रेशन वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डीएक्स सिंपल दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट जहां हमें दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना इट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यूज कर लो इसको इट इज वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई इट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स विच इज वन अपॉइन पाई वन अपॉइन पाई ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट लगा दो कहां से कहां तक माइनस पाई से पाई सिंप्लीफाई करो यू विल गेट द आंसर इट इज वन बाई पाई इट इज पाई स्क्वायर बाई टू माइनस पाई क्यूब बाई थ्री माइनस साइन पाई स्क्वायर बाई टू प्लस पाई क्यूब बाई थ्री सिंप्लीफाई करो यू विल गेट द आंसर किसी ने आंसर निकाला है क्या निकाल रहा है यार माइनस सिक्स पॉइंट फाइव एट कमान कमान जल्दी सॉल्व करो आई नीड देखो एनईटी का क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है ध्यान से क्या हो जाएगा देखो ये सर करो इट इज माइनस सिक्स पॉइंट फाइव सेवन अप्रोक्सीमेटली 5797 चलो ठीक है तीन प्लेस तक लेते हैं सो फाइनली आंसर इज माइनस सिक्स पॉइंट फाइव सेवन नाइन अरे देखो माइनस में आंसर आएगा ध्यान से जब आपको आंसर जो वहां पे वर्चुअल कीबोर्ड में जो आंसर फिल करने के लिए आता है ध्यान देना उसमें क्या क्या डेटा होता है ये पता होना चाहिए देखो क्या क्या दिया होता है यार ऐसे होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो पॉइंट और माइनस इतना चीज दिया होता है तो ध्यान से आंसर आया माइनस में तो आपको आंसर भी माइनस में फिल करना है इसने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछा है इसलिए माइनस साइन के साथ आंसर देना ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए एग्जाम में बहुत सारे लोग मिस्टेक कर डालते हैं ठीक है सो फाइनली आंसर इज जीरो पॉइंट सॉरी माइनस सिक्स पॉइंट फाइव सेवन नाइन दिस इज द आंसर फॉर द फोर ईयर सीरीज क्वेश्चन ठीक है दो इस साल लास्ट ईयर क्वेश्चन फोर ईयर से आया था ज्यादातर ज्यादा देखो लैपलास एंड फोर ईयर इज नॉट मेंशन द सिलेबस बट दे यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन इवन मैकेनिकल में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था फोर ईयर सीरीज का इसलिए प्रिपेयर्ड रहो दो कई सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए थे जहां पर लड़के यूजुअली मिस्टेक करते हैं उन्हीं पॉइंट पे उन्हीं पॉइंट पे मैंने उन्हीं जगह पे क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे यार ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर द जी सेशन क्यू से ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर एंड आई होप यू हैव इंजॉयड द सेशन यार एक बार दोबारा इन सारे क्वेश्चन में जो की पॉइंट हमने आपको बताया है उन उन पे देख लेना ठीक है वहां मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए दो फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट यू कैन यू कैन कांटेक्ट विथ मी थ्रू द मेल आईडी दैट इज सागर सोनकर एट द रेट जी डॉट कॉम एंड टेलीग्राम दैट इज एट द रेट आप टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम आई एंड दिस इज माई पर्सनल मेल आई आप कोशिश करो जब भी कुछ पूछना है यू कैन आस थ्रू द टेलीग्राम ठीक है so, देखो यार जितना मेरे फ्रेम हो सकते थे मैंने वो किया है, ठीक है तो आपको क्या करना है पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स को मैंने कोशिश किया रिवाइज करने का यार टॉपिक से लगभग मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कई जगह पे मिक्स क्वेश्चन भी सेलेक्ट किए थे ठीक है तो जितना हमने मतलब बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते थे उतना हमने बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपके लिए यार ठीक है सो so, एक बार क्या करना है ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड आपको क्या करना है थोड़ा जान लगा दो यार अब देखो टाइम टाइम बहुत कम है गेट एग्जाम के लिए यू आर हैविंग लिमिटेड सो बस आपको क्या करना है जितना आपके अंदर पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल लगा दो ठीक है इतना पढ़ डालो यार इतना पढ़ डालो कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले बनना चाहिए यार इतना पढ़ डालो कि मतलब अपने आप को सागर बना लो पढ़ पढ़ के एकदम बिल्कुल सागर मतलब समुद्र की हम बात कर रहे हैं इतना पढ़ डालो कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले पढ़ ले बन जाना चाहिए यार ठीक है सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू वेरी मच आई होप यू हैव इंजॉय सेशन बाय गाइज थैंक यू